अस्सलाम वालेकुम, मैं अमजद हुसैन इंडिया से। आज मैं अपने मरहूम दादा की सुनाई हुई एक सच्ची कहानी, सच्चा वाकया आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। मेरे दादा मरहूम ने ये कहानी मेरे बचपन में मेरे को सुनाई थी। ये बिल्कुल सच्ची कहानी है। हमारे दादा बताते थे कि आज से करीब 150 साल पहले उस ज़माने में, जब रेलवे लाइन अभी नहीं बिछी थी इंडिया में, और उस ज़माने में जो व्यापारी होते थे वो इकट्ठे होकर के कई गांव के, कई इलाके के व्यापारी एक ख़ास जगह पर ख़ास दिन इकट्ठे होते थे और बैलगाड़ियों से, खच्चरों से, घोड़ों के ऊपर सामान लाद करके, जिसमें चावल, दाल, तिलहन, दलहन और दूसरी चीज़ें काफिले के रूप में 15 दिन 20 दिन 25 दिन तक चल करके ये लोग कलकत्ता जाया करते थे। अब वहाँ कलकत्ता के मार्केट में ये सभी व्यापारी किसी ख़ास जगह पर, जिसे गद्दी बोलते थे, वहाँ ठहरते थे और अपने माल को, अपने सामानों को वहाँ फरोख्त करते थे, बेच देते थे। इसके बाद कलकत्ता का जो प्रोडक्ट था, जैसे मसाला, कपड़ा और दूसरे सामान, वहाँ से उसी बैलगाड़ियों पर लाते थे और लेकर के फिर 15-20 दिन के बाद वो लोग अपने मंजिल पर आते थे। ये करीब 100-200 व्यापारियों का काफिला होता था, जिसमें खाना बनाने वाले, नाई, धोबी, ये सब भी जाते थे और सारा खर्चा सबका एक ही में इकट्ठा करके सबको दे दिया जाता था। बहरहाल, एक बार हमारे दादा मरहूम इसी तरह एक काफिले के साथ अपनी 4-5 बैलगाड़ियों में अनाज वगैरह लाद करके और कलकत्ता गए। वहाँ 15-20 दिन के बाद जब पहुँच गए तो गद्दी पर जाकर के ठहरे, सारे गाड़ीवान बैलगाड़ियों को सामने मैदान में लगा दिए, ये लोग अपना सारा सामान आढ़तियों को बेचे, फिर जो नगद पैसा मिला उसको लेकर के इन लोगों को वापस आना था। इन सब काम में करीब 1 हफ्ता या 15 दिन कलकत्ता में रुकना पड़ता था, माल बेचने के लिए और ख़रीदने के लिए, और तब तक इन लोगों के सोने होने का इंतजाम, ठहरने का इंतजाम जो अड़तिया होता था उसके गद्दी पर ही होता था। हमारे मरहूम दादा बताते थे कि अमजद, एक बार की बात है, मैं कलकत्ता गया था ऐसे ही इन सब सामानों उनको लेकर के, और अगले दिन हम लोगों की वापसी थी। रात का वक्त था, करीब 8 बज रहे थे, तो एक मुस्लिम होटल था, गद्दी से करीब 1 या 2 फरलांग दूर, तो उसी होटल में ये जाकर के दादा खाना खाते थे। होटल के पास उन्हें एक फकीर टाइप का आदमी, जिसकी उम्र करीब 80 साल या 70 साल 75 साल की थी और बुजुर्ग था, वो मिला। उन्होंने अमर दादा से कहा कि बगैर उनको जाने, बगैर देखे, बगैर पहचाने उन्होंने अमर दादा का नाम लिया और बोला कि हमें भी खाना खिलाओ। दादा ने समझा कि ऐसे ही कोई फकीर होगा, मंगतूराम टाइप का, और उन्होंने उसकी बात पर तवज्जो नहीं दिया, बल्कि उसको उस ज़माने में, ये करीब सन 1902
यह एक की बात है, उस जमाने में उन्होंने उसको एक पैसा दिया और बोला कि एक पैसा ले लो। उस जमाने का एक पैसा आजकल का मान चलिए कि 50 रुपया, और बोले कि तुम पैसा ले लो जाकर तुम खाना खा लो। उसने कहा कि नहीं, वो जिद पकड़ लिया, बोला कि नहीं, जो आप खाना खाएंगे वही खाना मेरे को भी खिलाइए। उसने इतना इसरार किया, इतना दादा के गले पड़ गया कि दादा ने कहा चलो भाई खाना खा लो। तो दादा के सामने वो बैठ गया, दादा ने खाने का ऑर्डर दिया, जो जो भी उसने डिमांड किया सब दादा ने उसको खिलाया, खुद भी खाए। दादा बताते थे कि उस जमाने में खाने का बिल 8 आने आया था। 8 आने का अंदाज़ा लगा लीजिए कि आजकल मान चलिए कम से कम 500 रुपया। बहरहाल वो बहुत खुश हुआ। बाहर आने के बाद उसने दादा से कहा कि सहमल्ली, हमारे दादा का नाम शेख सहमल्ली था, उन्होंने कहा सहमल्ली तुमने हमको बहुत अच्छा खाना खिलाया, अब मेहरबानी करके हमको तंबाकू खिला दो, तंबाकू वाला पान खिला दो। बगल में ही पान की दुकान थी, दादा ने कहा चलो भाई जान छुड़ाओ इससे, उन्होंने पान भी खिलाया। दादा बोले कि देखो अब तुम जाओ, अब हमको अपने गद्दी पर जाने में देर हो रही है, सुबह हम लोगों को वापस जाना है एकदम तड़के, और काफ़ी रात हो जाएगी तो हमको सोने में दिक्कत होगी। उसने कहा ठीक है जाओ, लेकिन तुमने हमारी वही खातिर की ही, बड़ा अच्छा खाना खिलाया, मेरे को तंबाकू खिलाया, तुम इधर आओ, मैं तुमको एक चीज देना चाहता हूँ। दादा ने समझा कि ये तो ऐसे ही है, कोई मांगने खाने वाला है और फकीरी का भेष बनाए हुए है, भिखमंगा होगा। दादा ने उसकी बात पर तवज्जो नहीं दिया तो दादा के पास आया और उसने दादा से कहा कि मैं तुमको एक आयत बताता हूँ और तुम इसको याद कर लो। वो बड़ी छोटी सी आयत थी, तो दादा को वो आयत मालूम थी, पहले से भी मालूम थी, लेकिन उसने कहा कि इस आयत को तुम 3 बार पढ़ना अकेले में, तब जब तुम किसी बड़े मुसीबत में फंस जाना या तुमको तुम्हारी जान पर कभी बन आए तो तुमको ये आयत 3 बार पढ़ना है और 3 बार ताली बजानी है। दादा ने सुना और वो फकीर चला गया। दादा ने भी इस बात उसके बाद बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं दिया और खैर अपने गद्दी पर आए, आने के बाद अपना सोए। अगले दिन सुबह काफिला की रवानगी थी, सारी बैलगाड़ियों पर सामान लद गया था, रात ही में भोर में ही लोग चल दिए। 15 दिन के बाद दादा अपने हमारे गांव आए, अपने गांव आए। दादा की उस ज़माने में किराने की एक दुकान थी, परचून जिसको बोलते हैं, जिसमें गांव के लोगों के लिए जितनी भी जरूरी चीज़ें होती थी सब मिलती थी। दादा के हमारे एक ही लड़के थे जो हमारे वाली साहब थे, वो उस ज़माने में बनारस में रह करके पढ़ते थे 8वीं या 10वीं क्लास में। घर में दादा और दादी रहती थी, एक नौकर था जो दुकान पर रहता था जो रात को घर चला जाता था। एक दिन का वाक्य है, गर्मी का दिन था, मई या जून का महीना, दादा और दादी में किसी बात को लेकर तकरार हो गई। दादा गुस्से में आकर के और दुकान की गैलरी में, जो दुकान का लकड़ी का गेट था मेन गेट और एक गेट घर के अंदर जाता था, उन दोनों के दरमियान अपने चारपाई लगाए वो सो गया। दादी के अंदर भी ईगो था कि ये हमारी कोई गलती नहीं है तो मैं इनसे क्यों माफी मांगूं, पुराने जमाने के लोग। दादा सो गए और दादी भी अपने कमरे में सोने चली गई भीतर। रात को करीब 1 बजे के आसपास दादा की आँख खुली तो उन्होंने देखा कि उनका पूरा शरीर जल रहा है और बड़ी शिद्दत से, बड़ी जोर से उनको प्यास लगी। उनको इतनी प्यास लग गई
कि से मालूम पड़ा कि जान चली जाएगी, इतनी काफी जोर से प्यास लग गई थी उनको। दादा ने एक बार सोचा कि दादी को आवाज दे करके पानी मंगाए, लेकिन उठते उठते इतनी कमजोरी हो गई थी एकाएक रात में, पता नहीं क्यों, कि वो या तो बुखार की शिद्दत से या पानी की कमी से, कि वो चारपाई पर से उठ नहीं पाए और फिर चारपाई पर लेट गए। उनकी हलक से आवाज तक नहीं निकल रही थी, इतनी जोर से उनको प्यास लग गई थी और इतनी बुखार की शिद्दत हो गई थी। उन्हें लगा कि मैं तो आवाज भी नहीं दे पाऊंगा दादी को, और हमारी आवाज पहुंच भी नहीं पाएगी। घर लंबा था, काफी बड़ा हमारा घर था। अब इनको लगा कि मेरी जान नहीं बच पाएगी। एकाएक उनको कलकत्ता में मिले उस बूढ़े फकीर की बात याद आई कि जब कभी तुमको तुम्हारी जान पर बनाए, किसी ऐसे हालात में फंसे हो, तब ये जो हम तुमको दुआ बताए हैं, इसको तुम 3 बार पढ़ना और हाथ से ताली बजाना। दादा को यकीन तो नहीं था, लेकिन मरता क्या ना करता, उन्होंने मजबूरी में दुआ को पढ़ा। एक बार पढ़ा, कुछ नहीं हुआ। दूसरी बार पढ़ा, कुछ नहीं हुआ। तीसरी बार जो ही दुआ खत्म हुई, हाथ की ताली बजाई, तो ताली बजने के साथ ही साथ घर में जिस गेट पर के सामने वो सो रहे थे, उनकी आंख के सामने लकड़ी का मेन गेट था। उस जमाने में भीतर एक सांकल लगती होती लकड़ी का डंडा, जिसको इधर खिसकाने से दरवाजा खुलता था। एकाएक उन्होंने देखा कि वो लकड़ी का डंडा सरका और दरवाजा खुला। काफी अंधेरी रात थी, 2-2:30 बज रहे थे, और दरवाजा खुलने के बाद 20-25 सेकंड के अंदर एक बुजुर्ग खातून जो सफेद कपड़े में मलबूस थी, उनके सर के बाल और भौं सब सफेद थे, उस अंधेरी में भी चमक रहे थे, जैसे एक ट्यूबलाइट फ्यूज हो जाती है और उसके बाद भी उसको जलाने पर उसमें से एक हल्की रोशनी निकलती है, पूरे शरीर से, पूरे उनके जिस्म से और कपड़ों से और सर के बाल से उस तरह की मध्यम रोशनी निकल रही थी। और उनके हाथ में पानी का एक छोटा सा मिट्टी का मटकी था, और उन्होंने इशारे से हमारे दादा को वो थमाया, पानी थमाया। दादा हल्का सा उठ करके पानी के मटके को लिए। दादा बता रहे थे कि अमजद, उस वक्त हमें इतनी शिद्दत की प्यास लगी थी कि मैंने इस बारे में सोचा ही नहीं कि दरवाजा कैसे खुल गया, ये कौन औरत है और जो बगैर बुलाए पानी का मटकी लेकर के हमारे सामने खड़ी हो गई। उन्होंने इस पर सोचा ही नहीं, इतनी प्यास की शिद्दत थी। उन्होंने मटकी को मुंह से लगाया और पिया, पानी पिया। बताते थे कि इतना पानी ठंडा था, इतना पानी ठंडा था, इतना मीठा था, कि उन्होंने अपनी जिंदगी में ऐसा पानी कभी नहीं पिया था। बहरहाल जो ही पानी पी गए, पिए, उनके उनका बुखार भी खत्म हो गया, उनका प्यास भी मिट गया, और उन्होंने मटकी को चारपाई के नीचे रख दिया, जिसमें अभी भी थोड़ा सा पानी बाकी था। इसके बाद जब उनको होश में, हवास में आए, तो देखा सामने दरवाजा वैसे ही बंद था जैसे दरवाजा बंद करके वो सोए थे। एकाएक उनको लगा कि लगता है कि हमने कोई ख्वाब देखा है। लेकिन जब चारपाई के नीचे देखे, तो वो पानी की मटकी मिट्टी वाली मौजूद थी। अगर एक ख्वाब रहता तो मिट्टी की मटकी कैसे मौजूद होती। बहरहाल सुबह हुई और उन्होंने इस मटकी का बाकी पानी पिया और उस मटकी को सहेज करके अपने घर की तिजोरी में रख दिया है। ये वाकया इस वाकया का गुजरे हुए करीब 140 साल गुजर गए, आज भी वो मटकी काली पड़ गई है, टूट
टूट गई है, उसका आधा हिस्सा ही है नीचे वाला, लेकिन हमारे घर के तिजोरी में आज भी उनकी महफूज है, महफूज है। ये वाकया था। अस्सलाम वालेकुम, अमजद हुसैन इंडिया से।